नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंकित छिब्बर है। मैं पेशे से वेटनेरियन हूँ। आई एम बेसिकली पेट प्रैक्टिशनर्स। और मेरा जो बचपन है वो डॉग्स के साथ ही स्पेंड हुआ है सारा। और इसी पैशन के कारण ही मैंने प्रोफेशन भी इसी के साथ ही चूज़ किया है। मुझे बचपन से ही डॉग्स का बहुत शौक है। लाइक मेरे फादर जो हैं कि काफ़ी रेप्यूटेटेड ब्रीडर हैं, उन्होंने लेब्राडोर, डॉबरमैन और रॉटवाइलर्स में काफ़ी अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। बट मेरी खुद की जो हैंडलिंग है वो रॉटवाइलर से स्टार्ट हुई है। और अपनी कोशिश के साथ साथ मैं अपने दूसरे शौक भी पूरा करता जाता हूँ, जैसे कि गोल्डन रिट्रीवर, लेब्राडोर या बीगल के साथ मैं अपना इंजॉय ज़रूर करता हूँ इन द शो रिंग्स। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ स्कूबर्स का कि जिन्होंने इतना एफर्ट किया है रिगार्डिंग द डॉग ब्रीडर्स, कि इनको ट्रेडर से जो मार्केट है हमारी पेट मार्केट, इनसे दूर कर दिया है और ब्रीडर्स के पास लोग डायरेक्टली जाते हैं फॉर पपी परचेजिंग, एंड द पेट ऑनर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी का पपी मिलता है। अब इसके बाद मैं आपको, ये एक मेरे पास बीगल फीमेल है, ये इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक कुछ लोग बीगल के लिए बड़ा करते हैं कि इसमें एक ही कलर आता है जिसको हम ट्राई कलर कहते हैं विद द फेस मार्किंग, कि उस पर फेस पे भी प्रॉपर वाइट मार्क हो। ये मैंने जो बीगल फीमेल ली है ये बाई कलर फीमेल है। ये नहीं है कि ये फीमेल में कोई फॉल्ट है अलॉन्ग विद हिज कलर। ये कलर जो है ये इसके स्टैंडर्ड में ही आता है, इसको हम टैन कलर बोलते हैं। बीगल में मोर देन 22 कलर्स आते हैं, जिसमें लेमन वाइट, टैन वाइट, टैन लेमन, ट्राई कलर, ब्लू कलर, कितना कलर, बहुत एक्सेट्रा कलर्स आते हैं। इनकी जो हाइट है वो 14 टू 16 इंच तक का जो स्टैंडर्ड है FCI के अकॉर्डिंग किया गया है, और अमेरिका कैनल क्लब के अकॉर्डिंग इनका जो स्टैंडर्ड है वो 13 से 15 इंच तक का रखा गया है। सो जो कंट्रीज़ FCI के अकॉर्डिंग चलती हैं वो उनका स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, और जो कंट्रीज़ अमेरिका के अकॉर्डिंग चलती हैं वो उसका कैनल करती हैं। ये जो मेरी फीमेल है ये मैंने लास्ट ईयर जो बीगल ऑफ द ईयर डॉग रहा था बॉन्ड, उसकी फीमेल है। ये मैंने एज अ पेट फीमेल अपना रखी है, और जस्ट फॉर माय एंजॉयमेंट मैं इसको कभी कभी डॉग शो पे भी ले जाना स्टार्ट किया। अभी तो जस्ट ये हार्डली 6 मंथ्स ओल्ड है। इसको बस मैं एक बार ही एक शो में लेके गया था जिसमें इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और बहुत एंजॉय किया है। और सेकेंड मैंने अभी आपको दिखाया है कि मेरे पास एक गोल्डन रिट्रीवर भी फीमेल है, वो भी मेरी पेट फीमेल है। वो बेसिकली जो ब्रीड है वो UK की ब्रीड है, इंग्लैंड की, और बेसिकली रिट्रीवर फैमिली से वो बिलोंग करती है। ये जो बीगल ब्रीड है, एज अ वेटनेरियन मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा कि इसका जो वेट है ये अराउंड 10-11 kg से लेके 14 kg तक होना चाहिए, और पेट में रखने के लिए ये बहुत अच्छी ब्रीड है कि जो कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग होती है, बिकॉज़ कि ये हाउंड ग्रुप से बिलोंग करती है जिसको हम हंटिंग डॉग्स भी बोलते हैं, और बेसिक ये हंटिंग के लिए काम आती है। ग्रुप ऑफ बीगल्स कैन हंट रैबिट एंड बर्ड्स टू। और इसमें क्वालिटी ये है सबसे ज़्यादा कि इसको डिजीज़ कम लगती हैं, जिसको हम लाइक कोई वायरल डिजीज़ या कोई कॉमन जो डॉग्स में कार्डियक प्रॉब्लम आजकल बहुत दिखने को मिलती है, या डॉग्स को एपिलेप्सी प्रॉब्लम बहुत आती हैं, इनको एज सच वो प्रॉब्लम्स बहुत कम होती हैं, बिकॉज़ कि इसका जो जीन पोल है वो बेसिकली वाइल्ड है। वाइल्ड होने के कारण ये बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी से रखती हैं, और इसकी बहुत वेरी एक्टिव ब्रीड है। घर पे अगर आपके कोई छोटा बच्चा है जो अकेला लोनली फील करता है तो उसके लिए प्रेफरेबल है कि उसको बीगल पपी आप लेके देंगे, तो बहुत
हैप्पीली फील करेगा, क्योंकि बीगल जो है ये हर किसी को खुश रखना चाहता है और खुश खुद भी रहता है। बीगल जो ब्रीड है बहुत एक्टिव ब्रीड है। बेसिकली किसी बच्चे को अगर हम बीगल लेके देते हैं तो बहुत हैप्पीली फील करने लग जाता है, बिकॉज ऑफ कि इसकी खुद की नेचर बहुत हैप्पी है। ये हैप्पीली लिविंग क्रिएचर है और इसको बीमारियाँ बहुत कम लगती हैं, इसी कारण ये बहुत सक्सेसफुल रहती है। इसका जो लाइफ स्पैन है वो मोर देन 12-13 ईयर्स तक रहता है। बीगल्स की जो डाइट में बेसिकली प्रॉब्लम आती है, मैंने एज अ वेटनेरियन एंड अ पेट कंसल्टेंट बहुत देखा है कि बीगल्स में बेसिकली जो लोग हैं इनको डाइट बहुत ज़्यादा दे देते हैं। लाइक बीगल को कभी भी हैवी फूड नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसकी जो खाने की क्वांटिटी है वो बहुत कम रहनी चाहिए और इसका वर्कआउट बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए। कि ये नहीं है इट्स अ स्मॉल ब्रीड कि आपको इसको वर्कआउट करवाना ही नहीं है। रेगुलर अगर आपके पास कोई बीगल है उसको 2-2.5 किलोमीटर का वॉक ज़रूर चाहिए विद अ गुड डाइट। गुड डाइट मतलब ये नहीं कि आप कोई भी हैवी फैट डाइट लेंगे, लो फैट फूड इनको चाहिए जिससे इनकी बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहे। नहीं तो अदरवाइज़ इन विद द फैट इनके साथ जो हमने मोस्टली देखा है कि थायराइड वगैरह की बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसके कारण फिर आगे चल के इनको कार्डियक प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती हैं। रेस्ट मैं यही इसके बारे में कहना चाहूँगा कि बीगल बहुत खुशहाल ब्रीड है। जिस घर में जाती है वहाँ पे इसको मानते हैं कि ये खुशियाँ ही लाती है। थैंक यू वेरी मच।